शिखर महादेव के दर्शनों के लिए ज्योरी स्थित उनु महादेव से यात्रा शुरू करवाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। अश्वत्थामा की तपोस्थली माने जाने वाले ज्योरी के समीप उनु महादेव में गर्म पानी के स्रोत हैं, जहां महात्मा मस्त गिरिजी महाराज कई वर्षों से स्थान के विकास में प्रयासरत हैं। यहां से साल 2013 तक हर वर्ष श्रीखंड महादेव के लिए गानवी सपाभावी होते हुए यात्रा जाती थी। स्थानीय ही नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों के हजारों लोग यहां से यात्रा कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते यहां से यात्रा बंद हो चुकी है। उनु महादेव पहुंचे महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के सभी लोगों का एक सुर में कहना है कि ज्योरी से श्रीखंड महादेव के लिए यात्रा फिर से शुरू होनी चाहिए। यहाँ से बेहद रमणीय नजारे देखने को मिलते हैं, तो वही रास्ता भी आसान और कम जोखिम वाला है। मैं दीपक बेलवलकर महाराष्ट्र से हूँ, कराड़ से। मैं ये मेरी पांचवी यात्रा है, चार बार तो इधर से पाचाखंड से मैंने यात्रा की है, ज्यूरी होके ज्यूरी से, और एक बार जाओ से यात्रा की है। लेकिन ज्यूरी का जो आनंद है पाचाखंड से जाने वाले रास्ते से, तो बहुत बढ़िया है। एक तो रास्ता भी कम है, नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं यहाँ से। वहाँ पे थोड़ा जाम में चलना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बर्फ भी अच्छी है और रास्ते में हरियाली या ऊपर की जो सीनरी है वो तो बहुत बढ़िया दिखती है यहाँ ये रास्ते पे। और महाराज जी भी यहाँ व्यवस्था अच्छी करती है सारे ज्यूरी में जी। हमें यही लगता है कि हमने महाराज जी से बहुत बार कहा कि आप यहीं से यात्रा कीजिए, दो साल हो गए उन्होंने बंद किए, तो हमने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट की कि आप यहीं से शुरू कर दो। अब बोल रहे हैं कि अगले साल हो जाएगी यहाँ से शुरू। हाँ जी, हाँ जी, जरूर करना चाहेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट से हम यही चाहेंगे कि ये सरकारी रास्ता बना दिया है पाचाखंड वाला, ज्यूरी से लेके यात्रा शुरू हो जाए फिर पाचाखंड वाला। वहाँ पे जो जाव में वो सेवा देते हैं सरकारी, वो इस रास्ते में भी दी जाए। इसके दो फायदे हो सकते हैं, कभी एक आधा रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता खुला रहेगा, या पब्लिक एक जगह पे अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो एक जगह अटक नहीं जाएगी, दूसरे रास्ते से निकाला जा सकता है, इसलिए ये रास्ता भी होना जरूरी है। हम रामनाथ मधुबे छोटन करे, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से आया हूँ। मैं पहली बार पाचाखंड से गया था, अभी दूसरी बार अभी इधर से जा रहा हूँ। जी, दूसरा फर्स्ट टाइम है, अभी तो अनुभव नहीं उसका, लेकिन पहली बार गया तो वह बहुत अच्छा अनुभव था। महाराज जी ने बहुत अच्छे हमारे रास्ते पर बहुत अच्छा काम किया था, खाना पीना बहुत अच्छा था, रहने का भी अच्छा इंतजाम किया था, तो सीनरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रास्ता है। और कितना टाइम? 28-30 जन थे हम, सबने पूरा किया उधर से, दो तीन दिन में पूरा हो गया सबका। जी, होगा इससे भी अच्छा हो जाएगा सर, थोड़ा बारिश है लेकिन हो जाएगा अच्छा, उम्मीद तो है भगवान। मेरा नाम है बाला साहेब भोसले, कर्नाटक का बेलगाम से आया हूँ मैं। मेरा ये पहली ही बार है और मेरे फ्रेंड्स इधर आके गए हैं, उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया है कि श्रीखंड पर्वत ट्रैक बहुत अच्छा है, करना जरूरी है, इसीलिए मैं उनके साथ ये पहली बार ट्रैक कंप्लीट करने जा रहा हूँ। हाँ, मनी महेश गया था और अमरनाथ यात्रा में भी गया था। हम 30-40 लोगों का ग्रुप है, अलग अलग जगह से आए हैं, ये इसी जगह पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से ही यात्रा शुरू होगी कल। वहीं उनु महादेव ज्यूरी के महात्मा मस्त गिरिजी महाराज का कहना है कि यात्रा के लिए हर स्थान पर दो रास्ते रहते हैं, यह रास्ता भी सरल और सुगम है। इस रास्ते को फिर से आधिकारिक रूप से खोला जाना चाहिए ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और गोविंद ठाकुर से भी सहमति जता चुके हैं। प्रशासन को जल्द यहां सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने की बात की है, लेकिन अब तक सिर नहीं चढ़ाया। अब जल्द श्रीखंड यात्रा इस मार्ग से भी शुरू की जानी चाहिए। करीब करीब यहाँ पर 13 वर्षों तक लगातार श्रीखंड कैलाश यात्रा चली है, जो कैलाश के लिए जाती थी, पूरे भारत वर्ष के लोग यहाँ इकट्ठा होते थे।
आज यहाँ पर आप आए तो आप यहाँ देख रहे हैं, आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री इकट्ठा है जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जिसे हम अपने स्थिति से उसे हम बागी पुल से भेज रहे हैं। लेकिन अड़चन इसमें सिर्फ इतना ही है, जो हमारा पिछला सरकार थी उन्होंने हमें सपोर्ट ना करने के कारण यात्रा को बंद किया गया, और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी ने हमें आश्वासन और पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है और कागजी कार्रवाई चली हुई है इसमें, ये श्रीखंड यात्रा चालू होगी और कुछ प्रशासनिक इसमें थोड़ी तेजी से आ जाए तो यात्रा जल्दी से जल्दी चालू होगी और ये यात्रा अति सुगम है। उस यात्रा की अपेक्षा ये यात्रा जो है 20 किलोमीटर की नजदीक यात्रा है और यात्री भी चाह रहे कि यात्रा शुरू हो जिससे दोनों तरफ की विकास हो, निर्वण के भी विकास हो, इस क्षेत्र के भी विकास हो और इस क्षेत्र एक टूरिज्म की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से ये बहुत विशाल क्षेत्र बनने की ओर आग्रह है। अगर शासन थोड़ा इसमें मुस्तैदी से अगर ध्यान दे दे तो जी, ये यात्रा अभी तक हमने अपनी समिति के तत्वाधान में चलाया है, श्रीखंड कैलाश छड़ी यात्रा समिति जो रजिस्टर्ड समिति हमारे यहाँ की उनू महादेव मंदिर पर जुड़ी में, ये यात्रा यहाँ उनू महादेव मंदिर जुड़ी से शुरू होती है और पहला पड़ाव ये गांधी फांचा होते हुए फचकंडा पर पहला पड़ाव लगती है। उसके आगे गवर्नमेंट की या शासन की तरफ से अभी तक कोई सेट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है उसके लिए, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में जा चुकी है ये बातें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर भी किया है यहाँ प्रशासन को, इस पर कार्रवाई चल रही है, बस इसमें थोड़ी तेजी लाने की जरूरत है। रास्ते में सेट का निर्माण नहीं, रास्ते में पानी की जरूरत है, रास्ते में बिजली की जरूरत है और इसको आधिकारिक रास्ता घोषित करने की अति आवश्यक जरूरत है। ऐसे भी यात्री जाने अपने जान पर खेल के, हम लोग मना करते हैं फिर भी यात्री अपने मर्जी से जाते हैं, कल कोई भी घटना दुर्घटना बड़ी इसमें होने की संभावना बरकरार है यहाँ पर, और उनु महादेव को साथ में विकसित करने की जरूरत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राकृतिक गर्म पानी है, वो बहुत से भारी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं, और कुछ यहाँ पर डेंजर प्वाइंट है जो उनको सरकार जब इसको देखेगी, इसे बनाएगी, इसके तरफ ध्यान देगी तो विश्वास ही नहीं, मेरा पूर्ण निश्चय है कि वर्तमान सरकार इस पर बहुत बड़ा कार्य करेगी टूरिज्म के थ्रू। जी, हमने जो मांगे दी थी यहाँ से, हमारी संस्था ने जो मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मांग की है उस पर पूर्ण मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दे के और फाइल के ऊपर इमीडिएटली लिख के रामपुर प्रशासन तक वो कागज आ चुकी है। अब यहाँ से निकल जाए तो आगे फिर मुख्यमंत्री जी इसको करने के लिए इच्छुक है। यहाँ भविष्य में ये योजना है कि मुख्यमंत्री ये जो है हमारा उनू महादेव को अच्छे विकसित किया जाए, बहुत सुंदर ये जगह है, ऊपरी हिमांचल की एक टूरिज्म के लिए, एक धार्मिक क्षेत्र के लिए, सरहद के नजदीक है हम, जो एक धर्म का क्षेत्र बनेगी और टूरिज्म हमारे पूरे भारत से आएंगे इसमें, जिसमें इलाका का भी विकास होगा और भविष्य में यात्री यहाँ भारतवर्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो यहाँ से मायूसी का साधन लेके हमारे प्रदेश की एक मतलब हमारे प्रदेश की एक उदासीनता से चले जाते हैं और कहते हैं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये भविष्य में यही प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर अच्छा से अच्छा व्यवस्थित गर्म पानी की और विस्तार किया जाए, बहुत से गर्म पानी यहाँ वेस्ट बहते चले जाते हैं, जो ये संपत्ति जो है ये राज्य की संपत्ति, ये देश की संपत्ति, इसको राज्य और देश ही इसको ध्यान दे, शासन प्रशासन ध्यान दे और इसका विस्तार करे। यहाँ पर इसका इतिहास, ये मंदिर पिछले 120 वर्ष पुराना है और 120 वर्ष पुराना होने के नाते कई बार इसमें फ्लड आई, मंदिर बह जाते हैं। अभी हम पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर होते हैं, जो यहाँ निर्माण आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने अपने स्तर से जनता के सहयोग से इसे किसी प्रकार धरोहर को बचाया है। सबसे पहले यहाँ पर IPH ने गर्म पानी निकाला है बीच जगह में, उसकी सुरक्षा आज 20-25 वर्षों से करने, उसके बाद आज तक कोई IPH विभाग इसको देखने नहीं आया है, ये बर्बाद हो रहे हैं, ये राष्ट्रीय संपत्ति, इसको बचाया जाए। मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही निम्रता पूर्वक, आस्था पूर्वक मैं उनसे आग्रह करता हूँ और यहाँ के प्रशासन से कि इस ओर जल्दी से जल्दी देखें और इस यात्रा को अगले साल से चालू कराएं और उनू मंदिर के विकास की ओर देखें। यहाँ पर माननीय सांसद जी रामस्वरूप शर्मा जी 2-3 बार आगे देख के जा चुके हैं, माननीय हमारे मंत्री जी आगे देख के जा चुके हैं, महेंद्र ठाकुर जी, यहाँ की परिस्थिति करीब करीब सरकार जानती है, यहाँ कई मंत्री और कई ऐसे हमारे सरकार के लोग यहाँ देख के जा चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूर्ण निश्चय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इस कार्य को, टारगेट को पूरा करेंगे।